और चलिए अब वक्त है आज का एजेंडा सेट करने वाली खबरों का। पॉलिटिकल कैलेंडर में आपको दिखाएंगे पूरे दिन भर क्या बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी की रैली भी होने वाली है, मिशन मध्य प्रदेश। राजस्थान को लेकर अमित शाह और नड्डा की भी आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें, भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और एमपी के भोपाल में वायुसेना का एयर शो भी आज होना है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर भी आज सबकी नजर रहने वाली है। तो ये आज का पॉलिटिकल कैलेंडर, ये पूरे कार्यक्रम जिन पर आज सबकी नजर रहने वाली है। तो आपने देखा आज का पॉलिटिकल कैलेंडर। अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, उनका रेल रोको आंदोलन भी आज उसका आखिरी दिन है और प्रदर्शन के कारण हजारों यात्री परेशान हैं। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में इस आंदोलन की वजह से 10 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है, जबकि 12 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। कुल 29 ट्रेनें अभी तक प्रभावित हो चुकी हैं और पंजाब के किसान पटरियों पर बैठे हुए हैं और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पैकेज देने की गुहार लगा रहे हैं। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह का कहना है कि श्राद्ध पक्ष और वीकेंड के वजह से ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। और क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा दें। पंजाब में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका मुरादाबाद मंडल के परिचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ से पंजाब की तरफ जाने वाली, हरियाणा की तरफ जाने वाली ट्रेन जो है वो हमें कई जगह पे शॉर्ट टर्मिनेट करनी पड़ी है, कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ा है। इसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। वीकेंड भी है, थोड़ा हॉलीडे का भी मूड है लोगों के अंदर और श्राद्ध है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एनुअल कैलेंडर में हम लोगों के यहाँ पे हैं, फेस्टिव मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो उस वजह से लोगों को की असुविधा थोड़ा पड़ रही है। तो किसानों के आंदोलन की वजह से उत्तर रेलवे को कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किन किन ट्रेनों पर असर पड़ा है। देख लीजिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जाने वाली 177 ट्रेनें रद्द की गई हैं। अंबाला मंडल से निकलने वाली 85 ट्रेनें भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ 59 ट्रेनों के बीच रास्ते में रद्द करके दोबारा से चलाया गया है। 27 ट्रेनों को के रूट बदले गए हैं, उनको चलाया गया है, गंतव्य तक भेजा गया है। अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी था जिसकी वजह से इन ट्रेनों पर असर पड़ा है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां पर चुनावी बयार है, लिहाजा विपक्ष हर मुद्दे पर इस वक्त राजनीति करना चाह रहा है, उसको राजनीतिक हथियार बनाना चाह रहा है। उज्जैन की बात करें तो वहां पर नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस जहां सरकार को महिला सुरक्षा के दावे पर कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करके कांग्रेस को उसके राज में हुई नाकामियां गिना रही है। हालांकि उज्जैन का पापी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत इस वक्त फुल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार को महिला सुरक्षा पर घेरा है, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटना पूरे प्रदेश में, कुछ घटना तो नोटिस में आ जाती है आपके माध्यम से, पर ऐसी घटनाएं रोज दिन पर दिन पता नहीं कितनी होती हैं प्रदेश में, जो जिसकी जानकारी नहीं होती। आज ये चौपट प्रदेश बन गया है। तो एमपी की सियासत को हिला देने वाले इस रेप कांड में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपडेट है, ये भी आपको दे देते हैं। देखिए रेप कांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी भागने के दौरान घायल हो गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा बार एसोसिएशन, ये फैसला लिया गया है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पुलिस लेकर जाएगी और बच्ची का इलाज जारी है। फिलहाल खतरे से बाहर बच्ची की हालत बताई जा रही है और जब से ये रेप कांड हुआ था उसके बाद से ये पूरा अपडेट है। बच्ची की हालत पहले नाजुक थी, लेकिन धीरे धीरे जो बच्ची की हालत है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। ABP News आपको रखे आगे।